राजस्थान विधानसभा में 26 अप्रैल 2017 को श्रीमती वसुंधरा राजे एक बिल लेकर आई। इस बिल का नाम है मंत्री वेतन संशोधन विधेयक। इस बिल के नाम से ऐसा लगता है जैसे इसमें मंत्रियों के वेतन में संशोधन संबंधी कुछ बातें होंगी। ये बातें थी भी, लेकिन बहुत ही चालाकी के साथ इस बिल के अंदर एक नई धारा जोड़ दी गई। वो नई धारा है 7 ख। उस धारा में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं नाम से पूरी की पूरी सुविधाओं का वर्णन है। क्या क्या सुविधाएं हैं? सबसे पहले जो भी पूर्व मुख्यमंत्री होगा या पूर्व मुख्यमंत्री होगी उसको कैबिनेट मंत्री के स्तर का एक सरकारी बंगला मिलेगा पूरे जीवन भर के लिए। दूसरा, उस बंगले में पानी, बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट, संचार इत्यादि की समस्त सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी पूरे जीवन भर के लिए। तीसरा, राजस्थान में और साथ ही पूरे देश में वो पूर्व मुख्यमंत्री या उसके परिवार का कोई सदस्य कहीं भी यात्रा के लिए जाता है या जाती है तो उसे एक सरकारी गाड़ी मुफ्त में मिलेगी और उसके साथ गाड़ी का ड्राइवर मुफ्त में मिलेगा पूरे जीवन भर के लिए। इन सब के साथ एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, प्रथम ग्रेड का एक लिपिक, 2 सूचना सहायक, 1 ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी के 3 कर्मचारी उसकी सेवा में रहेंगे पूरे जीवन भर। अर्थात सरकार के आरएएस से लेकर चतुर्थ श्रेणी के 9 कर्मचारी पूरे जीवन भर उनकी सेवा करेंगे उस बंगले में और उनके साथ रहेंगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसके नियम के अंदर भी इन्होंने नियम डाला। पूर्व मुख्यमंत्री को अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो और भी अधिक कर्मचारी अधिकारी वे इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री ये सब सुविधाएं नहीं ले रहे हो तो इन सब सुविधाओं का जो पैसा है यानी उस बंगले का किराया या उन लोगों की तनख्वाह, वो ड्राइवर, वो आरएएस ऑफिसर, वो प्रथम श्रेणी लिपिक, वो तृतीय श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उन सब की जो तनख्वाह है उस तनख्वाह का पैसा वो पूर्व मुख्यमंत्री उठा सकता है। इसके साथ ही इस बिल में यह भी लिखा है कि अगर वह पूर्व मुख्यमंत्री भविष्य में कोई राज्यपाल बन जाती है या कहीं कोई संसद में चली जाती हैं या किसी विधानमंडल विधानसभा की सदस्य बन जाती हैं या वो कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी बन जाती हैं तो भी घुमा फिराकर ये सुविधाएं उन्हें यहां या वहां कहीं ना कहीं मिलती ही रहेंगी। जब ये बिल विधानसभा में रखा गया तो 200 विधायकों में से केवल 1 विधायक थे जिन्होंने इस बिल का विरोध किया। वे हैं श्री घनश्याम तिवारी। उन्होंने बिल के प्रस्तुत किए जाने के बाद में अपनी चर्चा में कहा कि इस बिल का अनुमोदन किया जाना राजस्थान में एक नई जागीरदारी प्रथा की स्थापना किया जाना है। मुख्यमंत्री महोदया ने बहुत ही सफाई के साथ अपने पूरे जीवन भर के ऐशो आराम का राजस्थान के विधानसभा में कानून बनाकर इंतजाम कर लिया। इस बिल के अंदर जो सेवाएं पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलेंगी उसका भुगतान कौन करेगा? उसका भुगतान जनता की मेहनत की कमाई के पैसों से होगा। इसलिए वाहिनी के कार्यकर्ता और नेता इस बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इस बिल की प्रतियां जला रहे हैं और इस बिल को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। आप सभी का हमें इसमें सहयोग मिले, समर्थन मिले, इसी आकांक्षा के साथ धन्यवाद, नमस्कार।